देश भर में एक बार कोरोना ने फिर से रफ्तार पकड़ी है। राजस्थान में भी कोरोना में कुछ जो है मरीज सामने आए, जयपुर हो, जैसलमेर हो, ऐसे में पूरा प्रदेश है जो अलर्ट मोड पर है। चिकित्सा विभाग का महकमा पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है, सैंपलिंग की जा रही है। साथ ही अस्पताल में विभिन्न तरह की व्यवस्था, वेंटिलेटर हो, बेड हो, या फिर दिखा दो, मैं अभी जो MB अस्पताल है वहाँ पर मैं मौजूद हूँ, स्वाइन फ्लू वार्ड में, जहाँ पर जो है अभी से पूरी तरह से व्यवस्थाएँ कर दी गई है। सिलेंडर हो, ऑक्सीजन की बात हो, या फिर बेड की बात हो, या फिर दूसरी जो कोरोना में ज़रूरी होती है उन मरीजों के लिए, या फिर जो कोरोना के लक्षण से संक्रमित है उनके लिए ज़रूरी होती है, पूरी तरह से व्यवस्था है। क्योंकि सरकार की ओर से निर्देशित है, चिकित्सा जो महकमा है उनको निर्देशित कर दिया गया है कि पूरी तरह से व्यवस्थाओं को सुचारू रूप से कर दिया जाए, क्योंकि कोरोना में जिस तरह से वृद्धि देखने को मिल रही है, ऐसे में उदयपुर में भी जो चिकित्सा विभाग है, जो प्रशासनिक महकमा है, पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है। इस MB चिकित्सालय के अधीक्षक डॉक्टर आलोक सुमन सर हमारे बीच है। सर, किस तरह की व्यवस्थाएं हैं जो भी कर दी गई है और क्या क्या यहाँ पर किया गया है? देखिए, जिस तरीके से कुछ केसेज अभी पॉजिटिव आए हैं जो हमारे केरला में, महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, इस तरीके से राजस्थान में जैसलमेर में भी 2 केस पॉजिटिव आए हैं, कुल मिला के अभी तक 4 केस पॉजिटिव हैं। पर पहली चीज़ तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये जो बहुत ही एक माइल्ड वेरियंट है JN1 का, ये वाला वेरियंट के केसेज पॉजिटिव आए हैं, तो हमें बहुत ही कुछ ज़्यादा घबराने की, डरने की ज़रूरत नहीं है। पर फिर भी हमको राज्य सरकार की गाइडलाइन, भारत सरकार की गाइडलाइन, एहतियात के तौर पर हमको एक प्रिपेयर्डनेस के लिए हमको तैयार रहना है कि हमारी पहले से ही तैयारी पूरी रहे, जिससे कभी कोई आकस्मिक आपदा आ जाए, इस तरह की कोई परिस्थिति आ जाए कि कोविड आ जाए दोबारा, तो किस तरीके से हमको मरीजों के साथ में या कोई भी सुविधाएं जुटानी है, तो हमने तैयारी है पूरी कर रखी है। यहाँ पर बेड हमारे पास पहले से, यहाँ पे स्वाइन फ्लू बिल्डिंग जो है हमारी पूरी एक तरह से संक्रामक रोग केंद्र के रूप में जानी जाती है, जो पूरी रिजर्व है। इनिशियल पार्ट जो कोविड के आएंगे केसेज हम यहाँ पे रखेंगे, और यहाँ पे हर बेड यहाँ पे विद सेंट्रल सेक्शन, सेंट्रल मॉनिटरिंग के साथ में अटैच्ड है। ऑक्सीजन के साथ में सिलेंडर्स की तो है ही हमारे पास व्यवस्था, इसके साथ में ऑक्सीजन प्लांट भी हमारे साथ में इसके है। हमारे पूरे जो महाराणा भोपाल अस्पताल के जो गैस सिस्टम है उसमें भी LMO से भी हमारे पूरी कनेक्टेड है। यहाँ पे सारे बेड वेंटिलेटर्स के साथ में अटैच्ड हैं, और बाकी हमारे पास जो इसके लिए जो दवाइयों की, जो बाकी जो जांच की, ये सारी चीज़ें भी हमने पूरी एहतियात के तौर पे पहले से ही सावधानी कर ली है। अभी हमारे पास ऑलरेडी कुछ स्टॉक है, क्योंकि हमने कभी भी कोविड की जांच इवन अभी तक हमने बंद नहीं की थी। हमारा ILI OPD अभी भी सुचारू रूप से जारी है यहाँ पे, और कुछ टेस्ट अभी भी हम लगातार कर रहे हैं। परंतु कुछ गाइडलाइन के मुताबिक अभी जो गंभीर जो मरीज सारी के जो होते हैं सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के, जो वार्डों में ICU के अंदर भर्ती हैं, उनकी हम स्पेशल सैंपलिंग अब करना चालू कर दिया हमने, और यदि कोई पॉजिटिव आएगा तो उसका जीनोमिक सिक्वेंसिंग कराने के आदेश है। सर, कितने ऑक्सीजन प्लांट है और किस तरह की व्यवस्था है? क्योंकि ऑक्सीजन प्लांट पिछली बार जब देखा गया था ऑक्सीजन की काफ़ी कमी आई थी, ऐसे में ऑक्सीजन प्लांट यहाँ बनाए थे हैं, लेकिन कितने ऑक्सीजन प्लांट है और क्या है? देखिए, हमारे पास खुद के हमारे पास 4 प्लांट हमारे पास यहाँ पे MB हॉस्पिटल प्रमाइसेज में मौजूद हैं, जिनसे हम सिलेंडर के द्वारा पूरे अस्पताल को, इवन कोई भी बिल्डिंग, चाहे पन्नाधार बिल्डिंग हो, SHH हो, कार्डियल हो, इंटरकनेक्टेड हमने गैस पाइपलाइन सिस्टम बिछा रखा है यहाँ पे। इसके अलावा हमारे पास में 2 हमारे LMO जो लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन गैस प्लांट है, जिसकी एक प्लांट की कैपेसिटी 2200 सिलेंडर है, टोटल हमारे पास 4400 सिलेंडर की कैपेसिटी वो है हमारे पास में, और उसके लिए पहले से ही हमने रेट कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है। राजस्थान की भी RMSCL के द्वारा इसकी सप्लाई की जाती है, और इसी के साथ में जो बीच में जो ऑक्सीजन की कमी आई थी पिछले दौर में कोविड के, तो उसके साथ में जो भारत सरकार, राज्य सरकार की द्वारा जो विभिन्न प्लांट हमारे यहाँ पे लगाए गए थे, तो 7 प्लांट ऑक्सीजन जनरेशन के प्लांट हमारे यहाँ पे अभी हैं, और ज़्यादातर प्लांट फंक्शनिंग हैं। कुछ प्लांट से अभी उन्हीं से हम काम चला रहे हैं। ऑक्सीजन हमें बहुत कम मात्रा में हमको खरीदने की जरूरत पड़ती है। आमजन को किस तरह हमें इसमें सावधानी बरतनी होगी, क्योंकि अब धीरे धीरे वापस जैसे केस बढ़ रहे हैं वैसे वैसे लापरवाही भी सामने आने आ रही है? देखिए, कोई विशेष गाइडलाइन अभी तक कोई राज्य सरकार की तरफ से कोई जारी नहीं हुई है, परंतु WHO ने कल ये ज़रूर कहा है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में और जो कॉमन प्लेसेस पे अपन सावधानी रखें, मास्क पहन के रखें। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो बीमार है, खासकर
वो ज़रूर अपना मास्क पहन के रखें, अपने घर परिवार में रखें, जैसे घर परिवार को इन्फेक्शन नहीं दें। और जो बुज़ुर्ग हैं, जो जीरियाटिक एज के हैं, या जिनको क्रोनिक बीमारियां हैं, जिनको हार्ट की बीमारी है, लीवर की बीमारी है, गुर्दे की बीमारी है, उन लोगों को मास्क ज़रूर पहनना चाहिए। और इसके साथ में ये भी एक रेस्पिरेटरी ही बीमारी है, तो इसके साथ में जो सबसे बड़ी सावधानी बरतने की है वो है कि जो कफ एटिकेट जो होते हैं कि भाई आपको ओपन में छींकना नहीं है, खांसना नहीं है, रुमाल रखना है, और इसके साथ में जो इसके जो छींकने से खांसने से जो उसका छींक के जो कण होते हैं बाकी सब होते हैं एक दूसरे से ट्रांसमिट नहीं हो, तो इसके लिए हैंड सैनिटाइजेशन का जो एक उपयोग करना है या हैंड वाश का उपयोग करना है, इन सब चीज़ों का हमको ध्यान रखना। ठीक, तो जिस तरह से सावधानियां हैं बरती जा रही है, साथ ही पूरी तरह से व्यवस्थाएं हैं जो चिकित्सा विभाग द्वारा या अस्पताल प्रशासन द्वारा कर ली गई है, बेड है, देखिए एक बार मैं फिर से दिखा देता हूँ, जो पहले भी ये वार्ड था जो इस कोरोना में रह चुका है, ऐसे में अब पूरी व्यवस्था है जो इस एमबी अस्पताल में की जा चुकी है, सैंपलिंग है जो लगातार चल रही है, साथ ही जो बेड की व्यवस्था हो, ऑक्सीजन हो या फिर दूसरी व्यवस्थाएं जो कोरोना में ज़रूरी होती है, उस पूरी तरह व्यवस्थाओं को सुचारू किया जा रहा है। टीवी 9 के लिए राजेश डांगी।